भारत सरकार के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन को उन्नाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के बाद पूरे स्टाफ को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना के बाद अब जगह जगह बर्ड फ्लू दे रहा है दस्तक। उन्नाव में कुछ समय पहले मृत बच्चों से की गई बर्ड फ्लू की पुष्टि। लोगों में फैला दहशत का माहौल। उन्नाव से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ बांदा में तेज रफ्तार ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर मकान में घुसी। कार सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। लखीमपुर खीरी के डायल 100 के ऑफिस में तैनात कांस्टेबल की छुट्टी मांगने पर इंस्पेक्टर हुए आग बबूला। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में समाचार पत्र वितरक कल्याण समिति के 12वें स्थापना दिवस में कर्मयोगी 31 समाचार पत्र वितरकों का हुआ सम्मान। एक FM 94.3 के जाने माने आरजे पुनीत भी रहे शामिल। उसे ताजुद्दीन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर की निर्माणाधीन ITI कॉलेज में अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सिद्धार्थनगर से अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली में वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने छात्र नेता के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ से अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गैराज में सरकारी देशी शराब की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। हजारों रुपए की शराब पर किया अपना हादसा। गैराज से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KKD News और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।